नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हूं मैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जुलाई का मंथ चल रहा है और ये जो मौसम है यहाँ पे बहुत ही प्यारा है, इसमें जो है रेनिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये प्लांट्स के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें जो आपकी कटिंग्स है, बीज से उगाने तक, कटिंग तक और जो है गोटी कलम तक, ये जो प्लांट्स है सारे बड़े इजीली से ग्रो हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो कि बड़ी इजीली से ग्रो कर सकते हैं। और इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए देखिए यहाँ पे मैं कहूँ कि प्लांट्स की जो रूट्स है वो भी यहाँ पे जरूरी नहीं है, लेकिन आप उसको ग्रो करना चाहेंगे तो वो बड़ी इजीली से यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। क्योंकि इस समय पर मैं कहूँगा प्लांट्स है बड़े इजीली से ग्रो होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एयर में मॉइस्चर लेवल है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण प्लांट्स है उनका जो सर्वाइवल रेट है बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मिलता है। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे प्लांट्स बताऊंगा जो कि यहाँ पे बिगनर्स है तो उनके लिए बहुत ही इजीली है इनको ग्रो करना, और आपके पास भी ये प्लांट्स नहीं है तो आप भी जो इनको इजीली से ग्रो कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो मैं कहूँगा कि और भी आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा कि इस सीज़न में आप और जो कटिंग्स है वो किस तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी कटिंग्स बताने वाला हूँ जो कि बड़ी इजीली से आसानी से आसानी लग जाती है। आप उनको इस तरीके से लगाएंगे तो सारी ग्रो हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे जो गर्मी इतनी तेज़ यहाँ पे पड़ी थी, तो यहाँ पे देखिए हमारे कुछ सारे जो काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो हमारे गार्डन से कम हो चुके हैं, तो आप जो है इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अपने गार्डन की शोभा और भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन देखिए, जैसे कि एक मैं कहता हूँ कि एक हमारा ये कहूँ कि काम ही है कि हर साल जो हम इस तरह से जब बारिश स्टार्ट होती है तो हम प्लांट्स को जो है इस तरह से बहुत सारे मल्टीप्लाई करते हैं। बेशक से हमारे प्लांट्स होते हुए भी जो हम इनको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मैं कहता हूँ कि मेरी जो इच्छा है, देखिए क्या इच्छा रहती है, मेरी ये भी इच्छा रहती है कि मेरे प्लांट्स डबल हो जाते हैं और मैं एक दूसरे को शेयर भी करता हूँ ताकि वो भी प्लांट्स यहाँ पर ग्रो कर सके। क्योंकि मुझे प्लांट बहुत ही प्यारे हैं, अपने गार्डन भी मेरे को हर बार अच्छा लगता है और दूसरे भी जब ग्रो करते हैं तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से मैं अपने प्लांट्स भी कुछ डबल रखता हूं और मैं औरों को भी शेयर करता हूं ताकि वो भी इस तरह से प्लांट्स हैं वो ग्रो कर सके। तो फ्रेंड्स, देखिए जो भी आप यहाँ प्लांट की कटिंग लेंगे, मैं कहूँगा कि जो आपको है शार्प टूल को यहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो शार्प टूल देखिए यहाँ पे आप प्रूनर वगैरह भी ले सकते हैं, जो शार्प नाइफ वगैरह ले सकते हैं, या फिर जो भी पेपर कटर वगैरह है आप वो साथ में रखिए, आप उससे जो कटिंग लीजिए। क्योंकि आप देखते थे कि ये मेरा रियो का प्लांट है, तो देखिए रियो का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि इसके स्टेम में देखिए तो ऑलरेडी वाटर यहाँ पे रहता है, तो आपकी जब इसकी कटिंग लगाएंगे तो उसमें जो है पानी अधिक नहीं डालना है। आप इसको सूखी मिट्टी में लगाएंगे तो भी ग्रो हो जाएगा, हल्का सा पानी डाल देंगे तो भी ग्रो हो जाएगा, लेकिन और वाटर आपको कोई भी कटिंग लगाते समय बिल्कुल नहीं करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रियो का प्लांट है, तो रियो प्लांट को ग्रो करने के लिए फ्रेंड जरूरी नहीं है कि इसकी जो रूट्स है वो यहाँ पर होनी चाहिए। अगर इस तरह से बहुत सारे प्लांट देखिए आप एक प्लांट लगाते हैं तो इसमें बहुत सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो आप जो मिट्टी का जब रूट बॉल को ब्रेक करते हैं तो भी अलग अलग करके डिवाइड करके लगा सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं लगाना तो फ्रेंड देखिए आप कोई भी प्लांट इस तरह से पकड़िए, और देखिए ये इस तरह से सेपरेट प्लांट है, तो आपके क्या करना है इसकी कोई भी नोड एरिया से जो है आप इस तरह से कटिंग ले लीजिए। तो देखिए इस तरह से जो हमने इसकी कटिंग निकाल ली है, तो फ्रेंड्स इसकी जो नीचे की सूखी पत्तियां हैं वो सारी आप यहाँ आपको रिमूव कर देनी है और जो है सिंपल मिट्टी में आप इसको लगा दीजिए। तो ये जो अपने रूट्स है वैसे ही यहाँ पर डेवलप कर लेगा, और जिस भी पॉट में आप लगाएंगे तो उस पॉट को यहाँ पर मैं कहूँ कि पूरा इस तरह से अपने प्लांट से ही फिल कर देगा, यानी भर देगा। और देखिए इस तरह से ये मिट्टी में लगते ही देखिए फ्रेंड्स इस तरह से जो रूट्स है अपनी ये इस तरह से डेवलप कर लेता है, तो आप इस तरह से नोड एरिया से उसकी कटिंग कर लीजिए, और कटिंग एकदम शार्प लेनी है, टूल आपका जो है साफ यहाँ पे रहना चाहिए, तो ये प्लांट बड़े इजी से लग जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो कटिंग से मैंने ली है, लेकिन इसको मैं यहाँ पे लगा के नहीं दिखा रहा हूँ, तो सबकी कटिंग से मैं बाद में यहाँ पे लगा लूँगा। तो कटिंग लगाने के लिए आप पॉट में लगाइए, पॉली बैग में लगाइए, या फिर बेकार भी कोई छोटी मोटी जो कहूँ कि ड्रिंक की बोतलें रहती हैं, प्लास्टिक की बोतलें रहती हैं, उन सब में भी सबकी जो कटिंग्स है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है आपको देख सकते हैं, ये कहूँगा पर्पल हार्ट का प्लांट, यानी कि ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो अपने आप में ही एक अलग सा प्लांट दिखाई देता है। पूरे गार्डन में अगर आप देखेंगे तो सारे प्लांट्स हैं वो ग्रीन कलर की पत्तियाँ उनको नज़र देखने को आएंगी, लेकिन ये एक प्लांट ऐसा प्लांट है जो अपने आप में ही अलग दिखता है। इसकी पत्तियाँ आप देखते हैं इस तरह से कहूँगा कि थोड़ी ब्लू कलर की नज़र आती हैं, और ये प्लांट बहुत ही प्यारा है, आप इसकी जो है कटिंग बड़ी इजीली से लगा सकते हैं। तो ये भी कहूँगा कि इसकी जो स्टेम रहती है इसमें जो है मॉइस्चर लेवल यानी कि जो वाटर है वो इसमें संख्या इसमें बनी रहती है पानी की, तो इसकी कटिंग भी आपको क्या करनी है फ्रेंड्स, आपको जो है नोड एरिया से आप इसकी कटिंग लीजिए और नीचे की पत्ती को रिमूव करके आप इसकी भी कटिंग इसी तरह से सेम तरीके से लगा सकते हैं, और हल्का सा पानी आप डाल दीजिए। इन सब प्लांट्स को जो देखिए क्योंकि पानी की कुछ ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन आप इसमें हल्का फुल्का सा मॉइस्चर रखना होता है, और ये प्लांट इतनी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं कि आपको जिस भी पॉट में लगाएंगे सबको जो इस तरह से फिल कर देते हैं, बहुत ही प्यारे हैं। तो आप बिगनर्स हैं तो इस सब प्लांट्स को आप ट्राई कर सकते हैं, बड़े इजीली से आपके सारे प्लांट्स लग जाएंगे।
और फ्रेंड देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है वो देख सकते हैं आप सिंगोनियम। तो सिंगोनियम के प्लांट भी आप बड़े इजीली से ग्रो कर सकते हैं। इसकी पत्तियां है देखिए देखने में बहुत ही प्यारी लगती है। और इसमें जो सिंगोनियम आपको तीन तरह का देखने को मिल जाता है, इसमें गोल्डन लीफ वाला मिल जाता है, इस तरह से ग्रीन लीफ वाला और एक जो है रेड वाला। तो आपका कोई भी हो तीनों को जो लगाने का तरीका वो सेम है, बड़े ईजिली से है। तो इसको भी आपको क्या करना है फ्रेंड, जैसे कि आप मनी प्लांट की जो कटिंग इस तरह से लगाती है वैसे ही आप इसकी जो कटिंग्स लगा सकते हैं। और नीचे फ्रेंड्स आप देखेंगे इस तरह से इसकी जो स्टेम्स रहती हैं तो उसकी जिस तरह से नोड एरिया पर जो है देखिए एरिया रूट्स निकल जाती हैं। तो अगर आप इसको कट करके लगाते हैं तो बड़ी इजीली से ग्रो हो जाता है। एरिया रूट्स वगैरह भी नहीं है तो फ्रेंड्स आप इसकी जो क्या होगी इस तरह से किसी भी नोड एरिया से आप इसकी कटिंग ले लीजिए और इसको जब आप मिट्टी में दबा देंगे तो ये बड़ी इजी से अपनी रूट्स है वो ग्रो कर लेता है। और प्लांट बहुत ही प्यारा है, बहुत ही बुशी लगता है। आप इसे चाहे तो एक इस तरह बेल की तरह भी ग्रो कर सकते हैं और नहीं तो फ्रेंड जो है आप इसको इस तरह से एक मनी प्लांट की तरह पूरा पॉट को ही कवर कर लेगा और देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। आप इसको भी बड़े इजी से यहाँ पर लगा सकते हैं। और फ्रेंड देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है वो देखते हैं मनी प्लांट। तो मनी प्लांट भी बड़ी इजी से लगने वाला एक प्लांट है। देखिए इसकी भी जो नोड एरिया से आप कटिंग लगा देंगे तो बड़ी इजी से कटिंग लग जाती है। वैसे तो ये प्लांट है हर एक घर में मिल जाता है लेकिन ज़्यादा तेज टेम्परेचर होने पर गर्मी होने पर जो प्लांट्स आपके ख़राब हो जाते हैं, इस तरह से पत्तियाँ जल जाती हैं, आपने इसी ये पत्तियाँ भी ड्रॉप कर देता है विंटर्स वगैरह में। तो अगर ये प्लांट उस समय पर आपके पास ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो आप इसकी जो कटिंग से इस तरह से कहीं से भी ले सकते हैं और ला सकते हैं। तो मनी प्लांट में भी बहुत सारे तरह के जो मनी प्लांट्स वो देखने को मिलते हैं। इसमें जो आपको वेरीगेटेड प्लांट्स, गोल्डन लीफ प्लांट्स और बहुत सारे बड़े पत्तियों के वाला प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स इसमें देखने को मिलेंगे। आप कोई भी इस तरह से ग्रो कर सकते हैं, इनकी कटिंग बड़ी इजीली से लग जाती है। तो आप इन सब प्लांट्स को बाय मत कीजिए। देखिए बाय आप जब प्लांट्स को बाय करेंगे तो फ्रेंड्स आपका जो गार्डन होने का क्या फ़ायदा। तो आप इसकी जो कटिंग है बड़ी इजीली से लग जाती है। तो आप कटिंग एक दूसरे का शेयर भी कीजिए और आपको ऐसी मिलती है तो वहाँ से आप लीजिए भी, और प्लांट्स आप कम से कम यहाँ पे बाय कीजिए। और फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट प्लांट आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत ही इजीली से ग्रो होने वाला प्लांट है। एक ये एयर प्योरीफायर भी है। देखिए ये जो है स्नेक प्लांट है और स्नेक प्लांट में आपको जो है दो तरह के प्लांट देखने को मिलते हैं। एक देख सकते हैं इसकी जो पत्तियाँ हैं किनारे इस तरह से बॉर्डर है वो येलो कलर की है और एक देखिए इस तरह से पूरा ग्रीन आता है इस तरह से। तो ये जो है एक क्योंकि ये बड़े अच्छे से प्लांट है, बड़े हार्डी प्लांट रहते हैं। आप इसे इंडोर में ग्रो कीजिए, आउटडोर में ग्रो कीजिए, प्लांट इजीली से ग्रो हो जाता है। इसकी वाटर रिक्वायरमेंट भी कम रहती है। आप इस प्लांट को देखिए एक तरह क्योंकि एक जब पॉट में लगाते हैं तो बहुत तरह से ये प्लांट ग्रो हो जाता है और इस नीचे से इस तरह से बेबी प्लांट्स बहुत सारे निकालते हैं। तो आप इस तरह से डिवाइड करके भी ले सकते हैं। और फ्रेंड देखिए किसी यार दोस्त के पास है या फिर किसी के घर पर है तो आप वहाँ से पॉट से तो डिवाइड करके नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप जो है इसकी सिंगल लीफ को भी ग्रो कर सकते हैं। तो सिंगल लीफ को ग्रो करने के लिए फ्रेंड्स करना क्या है कि आप इस तरह से जो लीफ है वो आप कट कर लीजिए कैंची की सहायता से। और फ्रेंड देखिए इसका जो लीफ है आप सब मिट्टी में ये दबा दीजिए। तो मिट्टी में दबाने के कारण क्या है कि आप इसमें जो और वाटर नहीं करनी है, एक बार जो मॉइस्चराइजर बना के छोड़ दीजिए तो ये प्लांट्स इससे भी जो है अपने नया बेबी प्लांट यहाँ पे ग्रो कर लेगा। तो ये भी बहुत इजीली से ग्रो हो जाते हैं पत्तियों से। तो आपकी जब यहाँ पर जो पत्ती है देखिए जो कट है आपको एकदम से बस शार्प होनी चाहिए। तो ये सारे प्लांट्स है इस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है वो देखेंगे इस तरह से, ये क्या होंगे कि एक मनी प्लांट की तरह देखने वाला प्लांट है। ये जो है बैटल लीफ यानी ये पान का पत्ते का प्लांट है। तो फ्रेंड्स ये भी घर में शुभ माना जाता है। तो देखिए आप इसे भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसकी जो पहचान है कैसे है फ्रेंड्स, आप इसके पत्ते को तोड़ेंगे तो इसमें जो आपको खुशबू है एकदम पान जैसी खुशबू उसमें से आती है। नहीं तो आप इसकी पत्ती को भी खा के देख सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसकी जो कटिंग है तो इसकी कटिंग बड़ी इजीली से ग्रो हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि मनी प्लांट सिंगोनियम में ये आप ग्रो करते हैं तो इसको भी इस तरह से ग्रो किया जा सकता है। इसको जो है नोड एरिया से आप जो इसकी कटिंग ले लीजिए और इसकी जो कटिंग आप वाटर में ग्रो कर सकते हैं और जो सॉइल में ग्रो करना चाहते हैं सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट भी बड़े इजीली से ग्रो हो जाता है। लेकिन जब ये ग्रो होगा तो फ्रेंड्स आप जो है इसको देखिए यहाँ पे तेज़ गर्मी से इसको बचाना है। तेज़ गर्मी में अच्छे से ग्रो नहीं करता। ये जब ग्रो करता है तो इसका जो है मॉइस्चर लेवल यहाँ पर जो है एयर में मॉइस्चर लेवल ज़्यादा पसंद है तो वहाँ पर बड़ी अच्छी तेज़ी ग्रोथ करता है। तो ये जो सीज़न है देखिए क्या जैसे मैंने जुलाई को बताया कि रेनिंग सीज़न है तो इसमें जो आपके ये प्लांट बड़ी तेज़ी से ग्रोथ कर लेगा। और देखेंगे मेरे प्लांट में भी जो है नई पत्ती तरह से डेवलप होनी स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स ये आप इसको भी लगा सकते हैं। और देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है तो जैसे कह सकते हैं आप देविल बैकबोन। तो देविल बैकबोन की जो कटिंग है ये भी बड़ी इजीली से यहाँ पे लग जाती है, बड़ी इजीली से यहाँ पे ग्रो हो जाती है। तो इस प्लांट के मैं कहूँ कि जो प्लांट के नीचे रूट्स होना जरूरी नहीं है। आप इस प्लांट की सिर्फ कटिंग ले लीजिए और कटिंग लेने वाले क्या है प्लांट लगाने का सेम तरीका है, उसी तरीके से आप इसको जो है यहाँ पे ग्रो करेंगे तो इजीली से ग्रो हो जाएगा। इसमें से हल्का सा कहूँ एक वाइट रंग का दूध निकलता है, नहीं सैप निकलता है। तो आप उसको पहले एक बार गिरा दीजिए और पानी में एक बार जो है डिप करने वाले क्या फ्रेंड आप इसकी जो कटिंग लगा दीजिए तो इसकी कटिंग बड़े इजीली से यहाँ पे ग्रो हो जाएगी। और एक ऐसा प्लांट है कि बहुत ही हार्डी रहता है, आप इसे इंडोर में ग्रो कीजिए या फिर जो है सनलाइट में ग्रो कीजिए, ये प्लांट इजीली से यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। ज़्यादा तेज सनलाइट होने पर फ्रेंड्स ये क्या थोड़ी इसकी पत्तियाँ हैं वो यहाँ पे ये ड्रॉप कर देते हैं और ज़्यादा विंटर्स यानी ठंड में होने के बाद भी अपनी सारी यहाँ पे पत्तियाँ हैं वो यहाँ पे ड्रॉ कर देता है। और लेकिन इसके जैसे ही यहाँ पे ग्रोइंग सीजन आएगा ये सारी पत्तियाँ भी अच्छे डेवलप कर लेगा। तो इसकी जो कटिंग है आप पूरे साल में कभी भी लगा सकते हैं सिर्फ विंटर्स वगैरह को छोड़ के। और देखिए फ्रेंड्स जो नेक्स्ट प्लांट है वो देख सकते हैं कैक्टस का प्लांट। तो कैक्टस का प्लांट भी बड़ी इजीली से यहाँ पे ग्रो हो जाता है, इस समय भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। लेकिन
इसको जो है देखिए ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसका जो कम पानी में ग्रो होने वाला प्लांट है तो इसकी कटिंग ग्रो करना बड़ा बहुत ही इजी है। लेकिन आपको यहाँ पे कटिंग लेते समय जब ध्यान देना है कि इसके जो कांटे हैं वो आपके हाथों में ना लगे। तो कैक्टस में बहुत सारी वैराइटीज़ आती है, लेकिन बहुत सारी वैराइटीज़ में कुछ ऐसी वैराइटीज़ है जो कि कटिंग से ग्रो नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर जो है कटिंग से ग्रो हो जाती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे जिसकी लीफ है सिंगल लीफ है, आप इसकी जो है नोड एरिया से इसको तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद जो है आप फ्रेंड्स आप इसको कटिंग बड़ी ईजी से लगा सकते हैं, तो इसकी कटिंग बड़ी ईजी से लग जाती है। देखिए फ्रेंड्स प्लांट्स बहुत सारे हैं, लेकिन सारे प्लांट्स बताना मैं अगर बताने लगूँ तो समय बहुत से लगे यहाँ पे लगेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ प्लांट्स मैंने ऐसे बताए हैं जो कि बिगनर्स के लिए काफ़ी इजीली है ग्रो करने और इजीली से सारी कटिंग्स लग जाती है। वैसे तो इस समय पे और भी कटिंग्स सारी इजीली से लग जाती है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इजी कटिंग्स हैं जो कि आप बड़े इजीली से लगाएंगे, कोई भी यहाँ पे लगाएगा तो इजीली यहाँ पे ग्रो हो जाएगी। तो मैंने देखिए जैसे कि लास्ट जो प्लांट आपको बता रहा हूँ ये है एलोवेरा। तो एलोवेरा वैसे तो हर एक घर में मिल जाता है, अगर आपके पास नहीं है तो बड़े इजीली से मिल जाएगा, रोड साइड पर भी ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं या फिर किसी घर पे भी आप विजिट वगैरह करते हैं अगर आपको दिखता है अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको जो देखिए इसमें इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स आपको इस तरह से मिलेंगे, तो आप एक भी किनारे से जो है उनसे पूछ के आप प्लांट को एक खींच लीजिए और ये बड़ी इजीली से ग्रो आपका हो जाएगा, तो इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा प्लांट है, अगर आप यहाँ पे गार्डन बनाना चाह रहे हैं तो इसको आप अपने गार्डन में जरूर से पहले से ही रखिए, क्योंकि इससे क्या वो पेस्टिसाइड वगैरह भी बनाया जाता है और अपने बॉडी के लिए चेहरे के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों में इसे जो इस्तेमाल किया जाता है, तो आप एलोवेरा अपने गार्डन में जरूर से रखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ही प्लांट्स मैंने आपके साथ बताए हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको जो है रेनिंग सीजन में और भी हमारे जो प्लांट्स हैं इस तरह से गुलदाउदी वगैरह के जो है सब मैं यहाँ पे आ चुका है लगाने का, जल्दी आपके साथ मैं वो वीडियो भी लेकर शेयर होऊंगा और सारी कटिंग्स है वो आपको लगा के दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।